सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंस्टाग्राम आईडी लोगो के बारे में। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक दो रील जो है वायरल हो जाती है, लेकिन वायरल होने के कारण कई लोग सारे जो है उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप को रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो के ऊपर, इंस्टाग्राम रील के ऊपर अगर आप अपना आईडी मेंशन करोगे, अट्रैक्टिव लोगो अगर आप मेंशन करोगे उसके ऊपर डालोगे, तो आपका वीडियो अगर वायरल हो जाए और हमने वहां पर आईडी मेंशन की है, लोगो ऐड किया है, तो दोस्तों बहुत सारे यूजर हमारे आईडी को चेक करेंगे, हमारे आईडी को फॉलो करेंगे, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने में वहां पर काफी अच्छी हेल्प होगी और आपका वीडियो भी प्रोफेशनल दिखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ए आप लोगो किस तरह से बना सकते हो और किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पर देखने और एक भी फेक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन को फॉलो करना। तो दोस्तों, उस तरह का लोगो ऐड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब, जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं, पिक्सल लैब, जो काफी सिंपल तरीके से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। फ्री एप्लीकेशन है, किसी तरह का पेड एप्लीकेशन नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इस तरह का इंटरफेस है इसका। सिंपली आपको न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है आपका इंस्टाग्राम आईडी जो भी है, जैसे जैसे आईडी है सेम आईडी यहाँ पर मेंशन करना है। जिस तरीके से अगर स्लैश है, अगर डॉट है, तो वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना, लोग उसी तरीके से सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आईडी जो है वो स्लैश साइगावे, इस तरीके से मेरा नेम है। तो सिंपली इसको ओके करना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको बस मॉडिफिकेशन करना है, आपका आईडी जो भी है, पवन है, माकने है, पवन पाटिल है, ऐसे कुछ भी है तो ऐड करना है यहाँ दोस्तों। उसके बाद इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर देख सकते हो ब्लू हो चुका है, इस पर एक बार टैप करना है। यहीं पर सब कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो पहले आना है हमें फॉन्ट में, ए बी फॉन्ट, यहाँ पर ए बी इस तरीके से फॉन्ट देखने को मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद ढेर सारे यहाँ पर आपको फॉन्ट्स देखने को मिलेगी, जो अच्छा लगे आपको वो वाला डालना है। तो यहाँ देख सकते हो इस तरीके से ऊपर देखने को मिलेगा आपको फॉन्ट किस तरह से चाहिए, सब कुछ यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो मैं एक यूज़ करता हूँ ये वाला फॉन्ट, तो चलिए ये देख सकते हो इस तरह का सा आ जाएगा हमारा दोस्तों। इस तरीके से आने के बाद, इसके बाद ये हमारा आईडी हो गया। लेकिन ये कहाँ का आईडी है समझने में हमें इंस्टाग्राम का लोगो डालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो मैंने एक लोगो लिया है अभी इंस्टाग्राम का, ये देख सकते हो ये वाला, इसको क्लिक करना है और राइट करना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो हमारा लोगो आ चुका है यहाँ पर। तो ये आप किस तरह से ले सकते हो, इसके लिए आपको सीधा क्रोम पर जाना है, गूगल क्रोम पे जाकर वहां पर सर्च करना है इंस्टाग्राम लोगो PNG। इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कोई भी अच्छा वाला जो लोगो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इसको करना है छोटा सा इस तरीके से और इसको फिक्स करना है यहाँ पर, और आपको लोगो टेक्स्ट को भी एडजस्ट करना है और यहाँ पर इस तरीके से करना है। दोस्तों, हमारा ये लोगो बन चुका है, इसको और भी कलर यूज कर सकते हो, लेकिन व्हाइट कलर में रहने दीजिए लोगो, क्योंकि हमारा अलग अलग कलर का वीडियो होता है। तो व्हाइट कलर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोफेशनल भी लगता है, अच्छे से दिखता है भी है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको PNG में करना है। बैकग्राउंड ये इमेज हो गई, लेकिन आपको वहाँ पर PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन पर आना है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बोल के सेकंड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। तो ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे PNG में हो गया, फोटो से PNG, बस आपको यहाँ पर सेव कर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा फोटो जो है सेव हो गया है। तो मैं आपको गैलरी में जाकर दिखाता हूँ PNG हमारा। तो दोस्तों, ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा PNG हो चुका है। अब इसको किस तरह से ऐड करना है, सिंपली आप किसी भी एप्लीकेशन में एडिट करते हो वीडियो, सिंपली जा रहा है, जैसे कि मेरे VN में एडिट करता हूँ, तो VN में मैं गया और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो पर मैं जाऊँगा, या यहाँ पर वीडियोज हमारे रेडीमेड, तो सिंपली मैं ये वाला वीडियो लेता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से वीडियो, तो इस पर जो है मैं अब लोगो डालूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, लेयर्स के ऊपर वीडियोज और फोटोज आ जाएंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी हमने फोटोज लिया है, फोटोज के ऑप्शन पर जाकर इसको कर रहे हैं चूज। तो ये देख सकते हो मैंने ले लिया और इसको मैं एडजस्ट करूंगा अपनी जहां पर करना है वहां पर, और इसको कर दूंगा फुल। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते किसने अच्छे तरीके से हमारा लोगो वहां पर दिख रहा है। अगर ये वीडियो मेरा वायरल हो जाएगा तो कई सारे फॉलोअर्स मेरे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प हुई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप गैलरी में इसको सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए काफी अच्छी तरीके से, काफी सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आप लोगो किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से लोगो ऐड कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस पर भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।